तो लास्ट क्लास हम लोग एक्यूमुलेटर एंड बेस रजिस्टर डिस्कस कर लिए थे, एज वेल एज काउंटर रजिस्टर। टुडे वी डिस्कस अबाउट डेटा रजिस्टर इज ऑल्सो डिस्कस। तो दीज आर द फर्स्ट फोर जनरल पर्पस रजिस्टर विच इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन, यानी कि आठ आठ बिट का लो ऑर्डर और हाई ऑर्डर में इनका डिवीजन है इतने सारे रजिस्टर का। देन आफ्टर दैट देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ तो बेसिकली डेटा रजिस्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अंडर डेटा रजिस्टर वी डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप एंड साइज ऑफ द डेटा डिक्लेयर्ड अंडर डेटा टाइप। देन मेन पर्पस आपका डेटा रजिस्टर का क्या है, तो इनपुट और आउटपुट जो भी आपका है उसको रिटेन करने के लिए यानी डेटा रजिस्टर्स आर यूज। तो इट इज ऑल्सो नोन एज मेमोरी बफर रजिस्टर। तो मेमोरी बफर रजिस्टर हम लोग डिस्कस किए थे व्हेन वी डिस्कस द रजिस्टर फॉर द जनरलाइज कंप्यूटर, नॉट फॉर द स्पेसिफिक कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर। तो यू ऑलरेडी आप जानते हैं कि आपका जो डेटा रजिस्टर है उसमें देर आर टू पोर्ट वी आर यूजिंग इन द कंप्यूटर, इनपुट पोर्ट एंड आउटपुट पोर्ट। इनपुट पोर्ट बेसिकली आपका इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। आउटपुट पोर्ट इज यूज टू एस्टेब्लिश द कनेक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइस टू द कंप्यूटर। तो इनपुट पोर्ट जिस पोर्ट से आपका इनपुट डिवाइस कनेक्ट होता है दैट पोर्ट इज डेजिग्नेटेड एज इनपुट पोर्ट, एंड जिस पोर्ट से आपका आउटपुट डिवाइस कनेक्ट होता है दैट पोर्ट इज डेजिग्नेटेड एट आउटपुट पोर्ट। बट नाउ डे वी हैव ए यूएसबी पोर्ट एंड दैट यूएसबी पोर्ट इज यूज फॉर बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट पोर्ट। आपका जो यूएसबी पोर्ट है उस यूएसबी पोर्ट का यूज इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस एज वेल एज स्टोरेज डिवाइस किसी भी तरह का पेरिफेरल को कनेक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। हमारा वो पेरिफेरल यूएसबी इनेबल्ड होना चाहिए, यानी इफ द पेरिफेरल इन द फॉर्म ऑफ इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेज इज यूएसबी इनेबल्ड देन दैट यूएसबी पोर्ट इज यूज्ड टू कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस ऑल द पेरिफेरल्स। तो यूएसबी पोर्ट आपका यूनिवर्सल पोर्ट हो गया जिससे आप कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नाउ अब कोई भी सिस्टम में प्रोग्राम आप जब लिखते हैं तो इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं यूजर इनपुट लेने के लिए, आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं यूजर इनपुट वैल्यू पर जो प्रोसेसिंग हुआ या जो इनपुटेड वैल्यू है यूजर उसको देख सकता है। तो आउटपुट डिवाइस इज यूज टू व्यू द पर्टिकुलर इनपुट, वट एवर इनपुट यू आर गिविंग थ्रू द इनपुट डिवाइस। तो डेटा को डिस्प्ले करने के लिए आउटपुट डिवाइस और डेटा को इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस, ये दो डिवाइस का यूज करते हैं एज ए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो हियर द स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ इज रिटेन। द स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ इज यूज इन सी लैंग्वेज इन बोलिए। सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए, एक तो सर आपका लिखा हुआ बहुत गौर से पढ़ना पड़ रहा है सर। अच्छा सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए सर। देखिए अगर क्वेरी किए हो तो ये बताओ कि डेटा रजिस्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, डेटा रजिस्टर का बेसिक यूज क्या है? मेमोरी बफर रजिस्टर का बेसिक यूज, बिकॉज मेमोरी बफर रजिस्टर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे रजिस्टर यानी सीपीयू के रजिस्टर्स को। तो मेमोरी बफर रजिस्टर का क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बार रिकॉल करिए, ध्यान में है? एनी अदर, कोई और किसी को? यस प्रिंस।
बोलिए। सर वो डाटा को इंस्ट्रक्शन से सीपीयू में लाता है, रजिस्टर में लाता है, फिर रजिस्टर से उसको फिर इंस्ट्रक्शन में ले जाता है। हाँ, तो जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम लिखने के समय में आप इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों को यूज करते हैं। इनपुट डिवाइस का यूज करते हैं प्रोग्राम में इनपुट लेने के लिए, आउटपुट डिवाइस का यूज करते हैं प्रोग्राम में उस इनपुटेड वैल्यू को देखने के लिए। तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस आप मॉनिटर यूज करते हैं और स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस मॉनिटर यूज करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा आप माउस भी यूज करते हैं, बट दैट इज नॉट अ स्टैंडर्ड वन। आप मॉनिटर के अलावा प्रिंटर भी यूज करते हैं, अगर हार्ड वर्जन, अगर हार्ड कॉपी अगर निकालना है आपके सोर्स कोड का या कंटेंट्स का तो वहाँ प्रिंटर यूज करते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम आप मॉनिटर यूज करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में, और कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनपुट आउटपुट पोर्ट एड्रेसिंग यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जैसे आपका मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी जब हम यूज करते हैं तो ठीक है, तो जब हम लोग प्राइमरी मेमोरी यूज करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी में डिस्कस किए थे कि प्राइमरी मेमोरी में देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ कैश मेमोरी। तो इन बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी है ना, दिस कैश मेमोरी इज इंट्रोड्यूस्ड। कोई बता सकते हैं व्हाई कैश मेमोरी इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड सीपीयू? एनीवन बोलिए। यस सर, सर व्हेन यू आर तो हाँ बोलिए। सर सर व्हेन यू आर सीपीयू नीडेड इंस्ट्रक्शंस एंड यू कैन से डेटा, देन ही देन इट कैन एक्सेस फ्रॉम कैश मेमोरी इमीडिएटली। हाँ कैश मेमोरी स्टोर डेटा टेम्पररली। यस यस, जस्ट टू मेंटेन द रेशियो ऑफ द डेटा मूवमेंट, यानी कि आपका यस सर, अच्छा जो स्पीड यू सीपीयू ऑलरेडी नो सीपीयू दैट। आइडलनेस ना रहे इसलिए सर, सीपीयू आइडलनेस ना रहे इसलिए सर कैश मेमोरी का यूज किया था ताकि हाँ तुरंत इसमें डाटा को रखा जाए यस और यस, दिया जाए। तो आपको पता है कि सीपीयू होल्ड द रजिस्टर एंड मेमोरी यस हायरार्की भी आप जानते हैं, और प्राइमरी मेमोरी जो है वो अगर ऑर्डर देखा जाए मेमोरी हायरार्की का तो मेमोरी हायरार्की में सेकेंड लास्ट पोजीशन पर रहता है। कैसे रहता है सर? हाँ, तो सेकेंडरी मेमोरी देन प्राइमरी देन देन प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी सर, हाँ यस, देन कैश कैश मेमोरी एंड रजिस्टर, एंड रजिस्टर रजिस्टर्स। तो इसको हम लोग देखे व्हिच इज डिस्कस इनबिल्ट करते इन हैं सीपीयू सीपीयू। यस सर, के, ठीक है ना। यस सीपीयू से क्लोजनेस अगर देखा जाए या डिस्टेंस फ्रॉम सीपीयू, कैश हाँ डिस्टेंस फ्रॉम सीपीयू अगर देखा जाए तो रजिस्टर्स आर क्लोजेस्ट टू द सीपीयू, देन आफ्टर देर इज कैश मेमोरी, देन प्राइमरी मेमोरी एंड देन सेकेंडरी मेमोरी। तो जब आप मेमोरी को डिफरेंशिएट किए होंगे तो वेरियस नंबर ऑफ टाइम्स इसको डिस्कस करते हैं, तो वहां पर मेमोरी, इनिशियल मेमोरी हम लोग डिस्कस करते हैं आपका वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। ठीक है, देन वी डिस्कस द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑन स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। प्राइमरी टेम्पोरली स्टोर करता है, सेकेंडरी आपका परमानेंट स्टोर करता है, एंड देन द थर्ड वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ सीपीयू डिस्टेंस। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीपीयू डिस्टेंस जो मेमोरी सबसे क्लोज होगा सीपीयू का वो फास्ट रिस्पॉन्ड करेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा रिस्पॉन्स आपका जो है वो स्लो हो जाएगा। तो रजिस्टर्स और प्राइमरी मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी जस्ट उसको रेशियो को होल्ड मेंटेन करने के लिए यूज किया गया। तो सिमिलरली व्हेन वी डिस्कस द इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग, ठीक है ना, इनपुट आउटपुट एड्रेसिंग जब डिस्कस करते हैं तो अगेन देर इज ए सीपीयू वन साइड देर इज ए सीपीयू, अनदर साइड देर इज ए इनपुट आउटपुट, एंड इन बिटवीन दिस टू देर इज ए इनपुट आउटपुट इंटरफेस। लेटर ऑन वी विल डिस्कस दिस वन। तो
इनपुट आउटपुट इंटरफेस, वाई इनपुट आउटपुट इंटरफेस डिस्कस, तो हम लोग डेटा ट्रांसफर स्कीम डिस्कस करेंगे। डेटा ट्रांसफर स्कीम में डीटीएस में दो तरह का बेसिकली डेटा ट्रांसफरिंग होता है आपके कंप्यूटर में, एक इन प्रेजेंस ऑफ सीपीयू, प्रेजेंस ऑफ सीपीयू, और एक इन एब्सेंस ऑफ सीपीयू। इन प्रेजेंस ऑफ सीपीयू कहने का मतलब है कि सीपीयू का फुल्ली इंटरफेरेंस होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है आपका डेटा ट्रांसफर में, और एब्सेंस ऑफ कहने का मतलब कि सीपीयू का डायरेक्ट आपका जो है प्रेजेंस नहीं होता है डेटा ट्रांसफर में, लेकिन सीपीयू जो है इनिशिएट करने में आपका जो है रोल प्ले करता है। तो इसके लिए हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि आपका जो दो मोड हम लोग डिस्कस करते हैं वो आपका है, एक है प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है ना, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट, और दूसरा है डीएमए। तो ये डीएमए है एक्चुअली है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट को हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस और इंटरप्ट ड्रिवन, इंटरप्ट ड्रिवन। अब ये एक्चुअली क्या है, ये जो इंटरफेस है इसी को क्या कहा जाता है, पोर्ट। यानी पोर्ट इज द पर्टिकुलर पॉइंट थ्रू विच द डिवाइस इज कनेक्टेड विद द सीपीयू, यानी कि पोर्ट से डिवाइस कनेक्ट होगा और डिवाइस आपका सीपीयू जो है वो पोर्ट से कनेक्टेड है। तो ये पोर्ट एक तरह से क्या कर रहा है काम, ये आपका ब्रिज का काम कर रहा है। पोर्ट इज यूज्ड एज ए ब्रिज इन बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट, जस्ट लाइक ए कैश मेमोरी यूज एज ए ब्रिज इन बिटवीन सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी। यहाँ भी स्पीड को देखने के लिए रखा गया था इसको, कैश मेमोरी प्रेस किया गया। यहाँ भी आपको पता होना चाहिए कि ये इसका स्पीड, कोई भी आप डिवाइस जो यूज कर रहे हैं उससे हमेशा ज्यादा ही होगा, इसका कम होगा। तो सीपीयू का स्पीड इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस है उसके कंपैरिजन में फास्ट होता है। तो यहाँ पर भी आपका जो है डिवाइस डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट नहीं होता है, तो सीपीयू और डिवाइस के बीच में देयर इज ए हाँ बोलिए। यस सर, सर यू एक्सप्लेन सर डीटीएस इन प्रेजेंस ऑफ सीपीयू एंड इन एब्सेंस ऑफ सीपीयू, सर प्लीज रिपीट अगेन सर। और सर इसके लिए हम डीएम आगे डिस्कस करेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ सीपीयू का मतलब है कि बेसिकली हम लोग ऑलरेडी जानते हैं सिस्टम बस के बारे में, आप जानते हैं। यस सर। तो सिस्टम बसेस, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस, एड्रेस, डेटा, एड्रेस and control, control, yes, sir. So these are the buses. अब ये bus under control of CPU होता है ना? Yes, sir. Buses are under control of CPU. CPU. तो जो CPU के control में है buses, तो जब आप किसी तरह का memory operations, transferring of data instruction एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में करते हैं, तो उस समय ये बसेस का इस्तेमाल होता है जो मेमोरी बस। यस सर। ना, तो जब आप सीपीयू का प्रेजेंस, कहने का मतलब है कि जब सीपीयू को ये पता होता है कि कौन सा डेटा कहां से कहां जा रहा है, ठीक है ना, व्हेनेवर द मूवमेंट अकर इन प्रेजेंस ऑफ सीपीयू, देन सीपीयू हैज द डिटेल, सीपीयू हैव द डिटेल्स अबाउट द मूवमेंट, यानी कौन सा पर्टिकुलर मूवमेंट, कौन सा डेटा, कौन सा इंस्ट्रक्शन किस लोकेशन से किस लोकेशन पर जा रहा है, ये टोटली अंडर कंसर्न ऑफ सीपीयू होगा।
लेकिन एब्सेंस ऑफ सीपीयू कहने का मतलब है कि सीपीयू थोड़े देर के लिए ये बसेस को रिलीज करेगा, ठीक है ना। अब ये थोड़े देर के लिए रिलीज करेगा, ये जस्ट लाइक हायरिंग ऑफ द बसेस, ठीक है ना। तो इसका हायरिंग कौन करेगा, तो ये डीएमए कंट्रोलर, डीएमए ऑपरेशन के लिए डीमैक, देयर इज अ डीमे डीएमए कंट्रोलर, ठीक है। जैसे इफ आपको जब यहाँ से एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर जाना है, तो अब यहाँ पर क्या है, दो चीज है। आप ऐसा कर सकते हैं, आप अगर अकेले आपको यहाँ से रांची जाना है, ठीक है, तो अगर आपको यहाँ से रांची जाना है तो कोई बस जा रही है, उस बस पर आप बोलेंगे, तो दैट इज द पार्ट ऑफ साइकिल स्टीलिंग। यानी कि कोई एक साइकिल में जॉब चल रहा है, उसी साइकिल में आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल में आपका डेटा मूव कर गया एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, क्योंकि डेटा का वॉल्यूम कम था, मूवमेंट आपको करना आसान था, आप चले गए, आप अकेले थे, आप उस बस में सवार होकर रांची चले गए। लेकिन अब यहाँ वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ 50 लोग और हैं, यानी कि 51 persons are there. Now, आप अगर कोई बस फुल बस है, उस बस को आप चाहिएगा कि उसमें आप बैठ के रांची चले जाए तो जा सकते हैं? No, sir. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बस को हायर करना होगा, कंप्लीट बस को हायर करेंगे। तो जब कंप्लीट बस को हायर करेंगे तो जितने समय के लिए आपका हायरिंग होगा, उतने समय के लिए आप उस बस को जैसे चाहेंगे वैसे यूटिलाइज करेंगे ना। तो यहाँ पर डीएमए ऑपरेशन में डीएमए कंट्रोलर, ठीक है ना, जस्ट गेट द ऑथोरिटीज, ठीक है ना, आप कह सकते हैं कि फॉर टाइम बीइंग डीएमए कंट्रोलर बिकम द ऑथोरिटी ऑफ द बसेस, यानी कि होल्ड द ऑथोरिटी ऑफ द बसेस, बसेस का ऑथोरिटी डीएमए कंट्रोलर के हाथ में है। अब डीएमए कंट्रोलर के कंसर्न में मूवमेंट ऑफ डेटा हो रहा है, ना कि सीपीयू के कंसर्न में। दैट्स व्हाई यहां मेंशन किया हुआ है इन एब्सेंस ऑफ एंड इन प्रेजेंस ऑफ सीपीयू। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सर इन प्रेजेंस ऑफ सीपीयू सर, एज वी नो सर, एमबीआर इज यूज्ड टू ट्रांसफरिंग डेटा मेमोरी टू सीपीयू एंड सीपीयू टू मेमोरी। ओके सर, एट द मोमेंट सर, इन एब्सेंस सर, सर सर यहाँ व्हाट डीएमए सर, आई डोंट सर सर लिसन मी सर सर, हियर डीएमए इज वर्क्स इंस्टेड ऑफ सीपीयू। नो, डीएमए इज नॉट वर्किंग एज ए सीपीयू, डीएमए इज द कंट्रोलर ऑफ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड द कंप्यूटर, जस्ट सी, एक्चुअली देयर इज अ सीपीयू, there is a CPU, and when we discuss the pin diagram, then it is very much clear to you, pin diagram of Intel 8086, ठीक है ना। तो अंडर पिन डायग्राम सीपीयू का जो ये दो पिन हम यूज करेंगे, होल्ड एंड एच एल डी ए पिन, देर इज टू पिन इन इंटेल 8086। तो यहाँ पर जो ये सीपीयू है, इस सीपीयू के अलावा देर इज ए डीएमए कंट्रोलर, डीमैक, there is a memory, there is a concept of memory, there is a disk controller, जो अभी हम बात कर रहे हैं port की, तो disk controller, DMAC memory and disk controller। अब यहां पर जो हम बता रहे हैं, यहाँ पर ये आपका तीन बसेस आपका यूज होता है, जो तीन बसेस है इसमें,
Excuse me, sir. हाँ, यहाँ पर आपका जो है एक बस आपका है, एक ना। अब ये तीन बसेस है, दैट इज कंट्रोल बस, दिस वन इज द एड्रेस बस एंड दिस वन इज द डेटा बस। अब ये जो कंट्रोल बस है इसमें इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो ये डायरेक्शन है, यहाँ ये, यहाँ से ये डायरेक्शन डाइवर्ट हो गया डीएमए कंट्रोलर को, तीनों बसेस का। ये कब होगा? जब आपका डिस्क कंट्रोलर से एक रिक्वेस्ट सबमिट होगा, ठीक है ना, डीएमए कंट्रोलर को, दैट इज द रिक्वेस्ट लाइन, डीएमए रिक्वेस्ट लाइन। और ये रिक्वेस्ट चूंकि सिस्टम बसेस का अथॉरिटी सीपीयू के पास है, तो ये रिक्वेस्ट जो है सीपीयू को जाएगा। और जब हम लोग पिन डायग्राम पढ़ेंगे तो वहां पर आप ये चीज देखेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर दो पिन यूज होता है, एक पिन आपका होता है होल्ड पिन और एक पिन आपका होता है एचएलडीए पिन, जो हम लोग इस यूज करेंगे पिन डायग्राम 8086 में। होल्ड इज द रिक्वेस्ट पिन, एचएलडीए इज द एक्नॉलेजमेंट पिन। तो होल्ड एक्नॉलेजमेंट एचएलडीए के थ्रू जब यहाँ से सीपीयू रिलीज कर देगा बसेस को, तब ये बसेस का डायरेक्शन टुवार्ड्स डीएमए कंट्रोलर हो जाएगा। तो जैसे ही डीएमए कंट्रोलर को ये रिलीज यानी बसेस का जो है एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि सीपीयू रिलीज किया बसेस फॉर टाइमिंग, तो सीपीयू उस समय आइडल स्टेट में जाएगा, यानी इंटरनल ऑपरेशन करेगा। नाउ सीपीयू नॉट गिव एनी टाइप्स ऑफ असाइनमेंट टू द बसेस, यानी बसेस से कोई असाइनमेंट एलोकेट नहीं होगा और ना असाइनमेंट वो होल्ड करेगा, यानी कि उसके लिए वेट करेगा। तो अब नाउ द बसेस आर अंडर कंट्रोल ऑफ डीएमए कंट्रोलर, एंड ये जैसे ही रिक्वेस्ट डीएमए कंट्रोलर को मिलेगा, ये रिक्वेस्ट ये डीएमए एक्नॉलेजमेंट का डिस्क कंट्रोलर को देगा। दिस लाइन इज द डीएक। नाउ ऑल द बसेस आर कनेक्टेड विद दिस, योर डेटा बस इज आल्सो कनेक्टेड विद मेमोरी। अब जैसे ही डिस्क कंट्रोलर, अब जैसे जस्ट इमेजिन करो कि आपने पेन ड्राइव इंसर्ट किया, तो पेन ड्राइव इंसर्ट हुआ तो डीएमए रिक्वेस्ट गया, डीएमए रिक्वेस्ट आपका किसको गया, डीएमए कंट्रोलर को। डीएमए कंट्रोलर सीपीयू को ये रिक्वेस्ट भेजा, सीपीयू रिक्वेस्ट जरूरी नहीं है कि इमीडिएटली रिस्पॉन्स कर दे, एक्नॉलेजमेंट दे दे और रिलीज कर दे बसेस को। तो सीपीयू अपना इंटरनल ऑपरेशन कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये जो है इंटरनली डिसाइड होगा कि ये रिलीज करना है या नहीं। तो जैसे ही एक्नॉलेजमेंट होगा, यानी होल्ड एक्नॉलेजमेंट, तो डीएमए कंट्रोलर के पास ये इंफॉर्मेशन आएगा। बोलिए बोलिए सर, अभी तो आप आईओ एड्रेसिंग पढ़ा रहे थे ना, अभी आप मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ाने लगे, कुछ समझ नहीं आया। आईओ से ही रिलेटेड है आपका, आईओ पार्ट डिस्क कंट्रोलर क्या करेगा, आईओ से ही रिलेटेड है। आईओ का यूज क्यों करते हैं आप, इनपुट डिवाइस का यूज क्यों करते हैं, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ना। यस सर। कोई भी स्टोरेज डिवाइसेस या जो पोर्ट है उसका यूज क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है मूवमेंट ऑफ डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। तो इनपुट डिवाइस से आपका जो डेटा है वो जाएगा पोर्ट को, फिर पोर्ट से वो सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए अगर जाना है तो प्रोसेसिंग में जाएगा, अगर मॉनिटर पर जाना है तो मॉनिटर उसको होल्ड करेगा, जिसके लिए हम लोग कन्वर्जन फैक्टर डिस्कस करते हैं, वेरियस कोडिंग पैटर्न डिस्कस किए, ठीक है। तो ये अब यहाँ अगर पूछेंगे
कि आपका ये पोर्ट और ये मेमोरी से कैसे कोरिलेशन है, तो यहाँ इस चीज को ये डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि आपका जैसे कैश मेमोरी यूज हो रहा है सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में, उसी तरह से सीपीयू और इनपुट आउटपुट या पेरिफेरल के बीच में आपका पोर्ट यूज होता है। वो पोर्ट एक्चुअली क्या काम करता है, पोर्ट आपका जो है ये स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेटा का जो है वो रोल प्ले करता है, एज ए ब्रिज काम करता है। तो आपका जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उसका जो स्पीड है, तो आप बोल सकते हैं दैट इज स्लो स्पीड डिवाइसेस कंपेयर टू द सीपीयू रजिस्टर्स। तो अगेन जो प्रॉब्लम यहाँ था मेमोरी के कॉन्टेक्स्ट में, वही प्रॉब्लम यहाँ पेरिफेरल के कॉन्टेक्स्ट में भी है। लेकिन अब ये डेटा ट्रांसफर जो ऑपरेशन होता है इसमें दो तरह का फैक्टर होता है जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो चूंकि डीएमए से रिलेटेड कोई क्वेरी किया गया तो हम ये चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि डीएमए ऑपरेशन में एक्चुअल में आपका सीपीयू डीएमए कंट्रोलर को ये ऑथराइज करता है कि सीपीयू सिस्टम बसेस का यूज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करने में किया जा सके। तो व्हाई आई डिस्कस दिस थिंग, बिकॉज यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेटा रजिस्टर, उसमें डेटा रजिस्टर आपका बेसिकली क्या है, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो भी आपका कनेक्टेड है, जैसे आप इनपुट। हाँ सर, आई थिंक सर आज सारा अजय अंडरस्टूड सर, इन अब्सेंस ऑफ सीपीयू, सीपीयू गिव रिस्पांसिबिलिटी टू डीएमए समथिंग टू हैंडल टू मैनेज बसेस। यस यस सर, नाउ आई गॉट सर। That's why I am giving the example that if you want to hire the bus for 51 people, then part of the particular, you have to hire entire bus. Yes, sir. Yes, sir. I got same concept is inside the computer also. Hiring is going on. So hire आपका नहीं होगा यहाँ पर, आपका authority ही release कर देगा। Authority है वो DMA controller को authorize कर देगा कि आप direct memory access perform करें, movement of data करें। तो ताकि आपका जो है वहां पर किसी तरह का सीपीयू इंटरवेंशन या आप बोल सकते हैं इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज क्लियर हो गया। इनपुट पोर्ट किसको कहते हैं, आउटपुट पोर्ट, इसमें कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। अच्छा, यूएसबी पोर्ट, हाँ यूएसबी पोर्ट पे हम लोग अभी डिस्कस किए। तो यूएसबी पोर्ट आपका जो है दैट इज द यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। तो हाँ बोलिए सर, वो डीटीएस क्या लिखे थे सर ऊपर में, क्या क्या डीटीएस सर, वो वाले स्लाइड में डेटा ट्रांसफर स्कीम, वो पढ़ना हम लोग आगे पढ़ेंगे। डेटा ट्रांसफर, डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफर जो है वो दो तरह से करते हैं, एक प्रोग्राम इनपुट आउटपुट और दूसरा डीएमए। डीएमए का मतलब होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, तो डायरेक्टली आपका मेमोरी और पेरिफेरल के बीच में ट्रांसफरिंग होगा, ठीक है ना। यस सर, बोलिए। बोले हैं पहले वाला प्लेलिस्ट ना है सर, यूट्यूब पे ना है, है? सर पहले वाला जो न्यू वीडियो सब जो डाले हैं तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में नहीं है सर। हमारा बैक का ना है, बैक हम वाला क्लास नहीं किए सर। पहले किया जाके वीडियो बताए तो थे जी, लास्ट क्लास भी बताए थे, अभी क्लास एंड होने दीजिए, बता देंगे, वेट करिए, कहाँ पर जाइएगा सब वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ वीडियो आपका पहले जो यूट्यूब चैनल था वहाँ पर है, कुछ वीडियो आपका न्यू चैनल है उसमें है, ठीक है ना। तो इसलिए एक जगह जो बैच लास्ट में स्टार्ट हुआ है तो उसमें सबको सेंट्रलाइज कर दिए, ठीक है ना। तो यू कैन सी द वीडियो ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स ऑल्सो, द सेम वीडियो इज देयर, सेम टॉपिक इज देयर, आई जस्ट गिव यू द पर्टिकुलर लोकेशन। तो इनपुट पोर्ट, आउटपुट पोर्ट एंड यूएसबी पोर्ट इज क्लियर टू यू। यहाँ यही चीज़ हम बता रहे थे कि आपका जो सीपीयू है और पेरिफेरल है, पेरिफेरल में इनपुट आउटपुट स्टोरेज ये तीनों आता है, ये दोनों के बीच में जैसे प्राइमरी मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी है, उसी तरह से पोर्ट आपका इनपुट आउटपुट इंटरफेस का काम करता है। पोर्ट को समझने में आप जहाँ से डिवाइस को कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम में वो पोर्ट है, और वो आपका काम क्या है, इनपुट आउटपुट इंटरफेस का काम करता है, और उसके माध्यम से सीपीयू को डिवाइस के बारे में जानकारी मिलती है। यानी अगर आपका प्रिंटर रेडी होगा तो प्रिंटर रेडी है कि नहीं है ये सीपीयू को कौन बताएगा, ये पोर्ट के थ्रू उसको सीपीयू को पता चलेगा। आपका प्रिंटर डिसकनेक्टेड है, डिटैच है, और सीपीयू यहाँ से कमांड दे रहा है,
तो ये सीपीयू को कौन बताएगा कि आपका जो है प्रिंटर डिटैच है, प्रिंटर को कनेक्ट करने का जरूरत है, तो वो पोर्ट बताएगा सीपीयू को, यानी इंटरफेस जिसके थ्रू आपका पेरिफेरल जुड़ा हुआ है। डायरेक्ट सीपीयू किसी तरह का कमांड पेरिफेरल को नहीं देगा, ठीक है ना। तो पेरिफेरल और सीपीयू के बीच में ये हमारा ब्रिज का काम करेगा, ठीक है। अब इसमें जो भी मूवमेंट होगा वो डेटा रजिस्टर उसको होल्ड करेगा, ठीक है ना, टेम्पोरली ही होल्ड करेगा लेकिन उसको होल्ड करेगा। नाउ दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा रजिस्टर इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट वी हैव इंडेक्स रजिस्टर। यहाँ पर दो तरह का इंडेक्स रजिस्टर है, ठीक है, एक है आपका सोर्स इंडेक्स, दूसरा है डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो सोर्स इंडेक्स, यू जस्ट सी दैट सोर्स इंडेक्स, लाइक अगर हम इनपुट डिवाइस यूज कर रहे हैं किसी भी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करने के लिए, तो इनपुट डिवाइस में जैसे जैसे करेक्टर को आप टाइप करेंगे वो एक इंडेक्सिंग जनरेट करेगा। लाइक अगर हम यहाँ पर देखिए, अब यहाँ आपको कोई भी पर्टिकुलर करेक्टर विजुलाइज हो रहा है, तो हम यहाँ पर सपोज टाइप कर रहे हैं, फोन करा देते हैं, सपोज इफ वी टाइप, इफ आई टाइप सी आई एम ए जी ई, आप उस करेक्टर को देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, करेक्टर दिख रहा है कि नहीं? अच्छा दिख रहा होगा, ठीक है, ठीक, अब ये जो आप सी आई एम ए जी ई लिखे, तो जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां एरे पढ़ेंगे, अगेन एरे का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। तो यहाँ जब सी आई एम ए जी लिखेंगे तो सबसे पहले कीबोर्ड में आपने प्रेस किया होगा सी को, तो ये सी आपका मॉनिटर में भी इंडेक्सिंग जनरेट करेगा, क्योंकि आपने जब सी को प्रेस किया तो सी दिखा, आई को प्रेस किया आई दिखा, एम को प्रेस किया एम दिखा, ए देन जी देन ई। तो जिस सीक्वेंस से आपने प्रेस किया उसी सीक्वेंस से यहाँ पर आपका पर्टिकुलर जो है डेटा दिख रहा है। तो इनपुट डिवाइस मेंटेन अ सोर्स इंडेक्स थ्रू विच वी एलोकेट द डेटा। बाय द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस हमने क्या किया, छह करेक्टर प्रेस किया, कीबोर्ड से छह करेक्टर प्रेस हुआ। अब ये छह करेक्टर हम इसी करेक्टर को देखना चाह रहे हैं आपके मॉनिटर पर। तो क्या कभी ऐसा होता है कि आपने जिस सीक्वेंस में लिया है उसके सीक्वेंस के अलावा कोई सफल मैनर में आपका जो है करेक्टर डिस्प्ले हुआ स्क्रीन पर, यानी कि आपने सी आई एम ए जी लिखा और वहां पर रिवर्स होकर प्रिंट दिख रहा है, वैसा नहीं है। दैट मीन्स व्हाट, कि देयर इज ए सोर्स इंडेक्स। यस बोलिए सर, ये ओ आई क्या है सर? ऐसा है ओ आई सर, इनपुट के बगल में नहीं है, इनपुट और आउटपुट बगल, ओ आई नहीं है, वो ऊपर में लिखा है उसका फुल फॉर्म बी में, डेस्टिनेशन इंडेक्स, डी आई है, डी आई सर। ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है। हाँ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस है। हाँ ओके सर, ठीक है। स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू जब हम लोग इनपुट करते हैं तो स्ट्रिंग वैल्यू में आपका जो है लिस्ट ऑफ करेक्टर होता है। तो लिस्ट ऑफ करेक्टर बोलिए। यस सर, हियर सर यू एक्सप्लेन सोर्स एंड इंडेक्स, सोर्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। सर कैन वी से सर सोर्स बाय द हेल्प ऑफ सोर्स इंडेक्स वी जनरेट द डेस्टिनेशन इंडेक्स। बिल्कुल, सिस्टम जनरेट द डेस्टिनेशन इंडेक्स। यस सर, बिकॉज व्हाट एवर यू आर गिविंग थ्रू द इनपुट डिवाइस द सेम कंटेंट यू वांट टू व्यू ऑन टू द मॉनिटर, आप उसी कंटेंट को मॉनिटर पर देखना चाहते हैं। अब इसके पीछे क्या पैटर्न यूज होता है कोडिंग, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, कि कैसे आपका करेक्टर होगा, आपका जो है इंटरफेस क्या होल्ड करेगा। तो इंटरफेस हमेशा आपका 01 के फॉर्म में ही डेटा होल्ड करता है इंस्ट्रक्शन। तो जो भी हम लोग इनपुट डिवाइस से देते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है कि मशीन लैंग्वेज में वो कन्वर्ट होकर वहां पर इनकोड होता है, आपका कीबोर्ड इनकोडर का काम करता है,
और फिर वहां से मॉनिटर जो है उसको डिकोड करता है, तो मॉनिटर जब डिकोड करता है तो सेम करेक्टर सेट को वो डिस्प्ले कर पाता है, ठीक है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स इंडेक्स एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स। तो टू टाइप्स ऑफ इंडेक्स रजिस्टर इज देयर। तो जो भी आपका इंस्ट्रक्शंस लिया जाएगा उसी के बेसिस पर आपका एलोकेशंस होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द पॉइंटर रजिस्टर। तो पॉइंटर यू ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे, स्टैक पॉइंटर, जहां पॉइंटर का रोल क्या था, पॉइंटर हमेशा एड्रेस को होल्ड करता है। तो पॉइंटर कीप्स द एड्रेस ऑफ विच मेमोरी सेल इन स्टैक। तो स्टैक में जो सबसे लास्ट में आपका जो एलिमेंट होता है वो लास्ट एलिमेंट के एड्रेस को पॉइंटर होल्ड करता है। दैट्स व्हाई इट इज मेंशन दैट कि पॉइंटर कीप्स द एड्रेस ऑफ द लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी सेल इन ए स्टैक। तो यहाँ पर भी स्टैक पॉइंटर का वही है ऑपरेशंस जो हम लोग डिस्कस किए थे। बेस पॉइंटर बेसिकली कंटेन्स द बेस एड्रेस, ठीक है ना। बेस एड्रेस भी सबको पता है, कोई ऐसे हैं जिनको नहीं पता है व्हाट इज बेस एड्रेस? तो बेस रजिस्टर में जो बेस एड्रेस का कंटेंट है, ये बेस एड्रेस जो है वो आपका पॉइंटर यानी कि बेस पॉइंटर होल्ड करता है। तो दैट इज द टू पॉइंटर। नाउ वी जस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है, क्योंकि क्यू बेसिक में आपका पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आप यूज नहीं करते हैं। हम बोलिए सर, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स को एक बार और डिफाइन कर दीजिए सर। सोर्स इंडेक्स, सोर्स का मतलब क्या हुआ, जहां से आप डेटा इनपुट करेंगे। यस सोर्स, कोई तो सोर्स होगा। जैसे आप अगर प्रोग्रामिंग का एग्जांपल लेते हैं, क्यू बेसिक में प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें दो यूजर इनपुट चाहिए, तो दो यूजर इनपुट आप कैसे देंगे? तो यूजर इनपुट कीबोर्ड से देंगे। यस सर। तो कीबोर्ड से जो डेटा देंगे वही डेटा आपका विजुअलाइज होना चाहिए मॉनिटर पर। यस सर। तो यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस करना होगा हमारे सिस्टम को। तो ये कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए हमको क्या चाहिए, जिस सीक्वेंस में आपने एंट्री लिया है उसी सीक्वेंस में आपका जो है मॉनिटर भी उसको यूटिलाइज करे, है कि नहीं? यस सर। मान लेते हैं कि अगर उस सीक्वेंस में नहीं करेगा, आप ए और बी में जो है डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं, आपने ए को पहले प्रेस किया ए के लिए वैल्यू फिर बी के लिए, अगर मॉनिटर में बी का वैल्यू पहले आ गया ए का वैल्यू बाद में आ गया स्टैक मैनर में, तब तो उल्टा पुल्टा रिजल्ट आएगा। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन इसलिए लिखा गया है क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग का मतलब है लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, लिस्ट ऑफ इनपुट। जब आप लेते हैं सिंगल इनपुट में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इंडेक्सिंग का जरूरत कब पड़ता है, जब एरे लेते हैं। जब आप सिंगल वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे 10 वैल्यू को, तो वहां पर इंडेक्स का जरूरत होगा, नहीं होगा ना। मान लेते हैं किसी प्रोग्राम में आप अगर 10 वैल्यू के बीच में किसी तरह का कोई ऑपरेशन करते हैं और 10 वैल्यू आप 10 वेरिएबल में स्टोर किए हैं, तो वहां कोई इंडेक्स का जरूरत पड़ेगा? नो सर। इसीलिए यहाँ स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, क्योंकि स्ट्रिंग का मतलब ही होगा कि लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, लिस्ट ऑफ आपका जो है एलिमेंट वहां होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा तब तो इंडेक्स का जरूरत होगा। इंडेक्स का जरूरत किस लिए होगा, इफेक्टिव एड्रेस जनरेट करने के लिए, उसके लिए हम लोग डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। क्लियर है ना? यस सर। तो अब यहाँ पर चूंकि यहाँ क्यू बेसिक आप पढ़ रहे हैं, सी लैंग्वेज जब पढ़ेंगे तो वहां ज्यादा पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। अभी इतना ही समझना है आपको कि जैसे स्टैक पॉइंटर में लास्ट एलिमेंट का एड्रेस आपका जो है, जो यानी कि टॉप का जो एड्रेस है वो पॉइंटर होल्ड करता है। तो पॉइंटर का जो मेन रीजन ऑपरेशन क्या है, कि जब भी कोई आप जिस तरह का डेटा टाइप का कोई पॉइंटर अगर जनरेट करते हैं, जैसे अगर इंटीजर एरे है आपका, यानी एरे इज द कंटेनर ऑफ इंटीजर वैल्यू, तो वी यूज इंटीजर पॉइंटर, बिकॉज पॉइंटर अरिथमेटिक जो है वो इंटीजर डेटा टाइप के साइज के हिसाब से वर्क करेगा, ठीक है ना। अगर इंटीजर होगा तो दो दो बाइट इंक्रीमेंट होगा इफेक्टिव एड्रेस निकालने के लिए, अगर फ्लोट होगा तो चार चार बाइट बढ़ेगा, ठीक है ना। जैसे आपका क्यू बेसिक में सिंगल है, तो सिंगल डेटा टाइप का जो है साइज क्या होता है, 4 बाइट, 2 बाइट? 2 बाइट सर। बोलिए। ऐसे 4 बाइट। 4 बाइट यस। सिंगल का 4 बाइट होता है, ठीक है। बाइट, 2 बाइट। तो यहाँ पर इंटीजर एरे के लिए, अब एरे का साइज 6 है, तो इसका साइज 12 बाइट हो जाएगा, 2 गुना 6,
और p इज द पॉइंटर वेरिएबल जो इस a का एड्रेस रखेगा. तो p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a. एड्रेस ऑफ a लिखने का मतलब ये कौन किसका एड्रेस रखेगा, कौन बताएंगे? हमने छो एलिमेंट का तो एड्रेस यहां नहीं डाला, सिंपली लिखा है एड्रेस ऑफ a, एम्परसेंट a. तो ये पॉइंटर किसका एड्रेस रखेगा? सर ए सर सबका वैल्यू रखेगा आई थिंक. सबका कैसे रखेगा? एक लास्ट पॉइंट होगा. यस सर. आपका जो सबका नहीं रखेगा ना, तो फिर इसका क्वेश्चन क्या हुआ, एरे का बेनिफिट क्या हुआ? अलग रखेगा सर. हाँ क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कीजिए. p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a लिखने का मतलब है कि ये जो पहला एलिमेंट है स्टार्टिंग एड्रेस ये रखेगा. तो अब हमको p से अगर सारे एलिमेंट का एड्रेस निकालना होगा, मतलब 12 का एड्रेस तो हमको पॉइंटर से मिल गया, p इक्वल टू एड्रेस ऑफ a लिखा हुआ है. अगर हमको 13, 10, 5, 2, 1 का एड्रेस निकालना होगा तो यहाँ करता है. अब पॉइंटर अरिथमेटिक क्या है समझो, p प्लस 1 का मतलब क्या है, यानी कि ये तो पॉइंटर इसका एड्रेस रखा है, इसमें एक ऐड करेंगे तो हमको इसका एड्रेस मिलना चाहिए, दो ऐड करेंगे तो इसका एड्रेस मिलना चाहिए, यानी एक ऐड करेंगे तो 13 का एड्रेस, दो ऐड करेंगे तो 10 का एड्रेस, तीन ऐड करेंगे तो 5 का एड्रेस, चार ऐड करेंगे पॉइंटर के बाद 1, 2, 3, 4 तो 2 का एड्रेस पता चलेगा, 5 ऐड करेंगे तो 1 का एड्रेस पता चलेगा. तो हमको ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं कि अगर इंटीजर आपका होल्ड कर रहा है एरे तो 2-2 बाइट आपका एड्रेस बढ़ जाता है, लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. तो अब यहाँ देखो पी प्लस 1, पी प्लस 2, पी प्लस 3, पी प्लस 4, पी प्लस 5 ये आपका एड्रेसिंग कैसे जनरेट करता है. देखिए ये दिस इज द पॉइंटर अरिथमेटिक. तो पॉइंटर जो है वो साइज ऑफ डेटा के हिसाब से एड्रेस हमारा जो है ऐड करता है. तो पी प्लस 1 में 2 बाइट ऐड होगा, 1002 हो गया. पी प्लस 2 में आपका 4 बाइट, यानी 2 है, इसका मतलब है कि 2 × 2 एक है, यानी कि 1 × 2 3 है, मतलब 3 × 2 4 है तो 4 × 2 यानी कि 2 वहां पर नंबर ऑफ बाइट है. अब ये कैसे कर रहे हैं आप कोई बताएंगे? इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में. बोलिए सर. सर 2 को सर इंक्रीज कर रहे हैं क्योंकि इंटीजर का वैल्यू 2 होता है. चुके हैं सर. और 2 जो है ना वो तो बाइट है मेरा सर. हमने लास्ट क्लास में इस चीज को डिस्कस किया था ना, ये चीज एड्रेस एड्रेस तो कोई भी लोकेशन का एड्रेस निकालने के लिए क्या करते हैं, बेस एड्रेस में उसका वेट और जो लोकेशन इंडेक्स है उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना. Yes. तो आपका यहाँ पर p प्लस 1 लिखने का मतलब क्या है, p तो आपका 1000 रखा ही है एड्रेस, और प्लस 1 यहाँ पर प्लस 1 नहीं करेगा, ये जो प्लस 1 है एक्चुअली ये डेटा टाइप के हिसाब से तय होगा कि आपका प्लस 1 कितना ऐड करेगा इसमें. तो डेटा टाइप अगर इंटीजर है तो 2 ऐड करेगा, कैरेक्टर है, ये चीज बताया था ना लास्ट क्लास में. यस सर हमने बोला नहीं सर. हाँ वही, तो वही बोले, वही चीज हम बोल रहे थे. हाँ कि ये अर्थमेटिक आप चूंकि प्यू बेसिक में ये पढ़ना नहीं है आपको, तो ये सी में आप जब पढ़ेंगे पॉइंटर यूज करेंगे नेक्स्ट ईयर तो ये आप ज्यादा ऑब्जर्व कर पाएंगे. लेकिन मैंने इतना बार इसको बताया है कि आप अब ये इसको कहीं से भी भूलेंगे नहीं. नंबर ऑफ टाइम्स का एग्जांपल लिया है क्योंकि बेस एड्रेस इंडेक्सिंग के लिए बिना एरे का हम आप समझ ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना. तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस पॉइंटर एंड स्टैक पॉइंटर. तो बेस पॉइंटर समझ गए ना, इसका एड्रेस रखेगा फर्स्ट स्टार्टिंग एड्रेस. बेस पॉइंटर किसका एड्रेस रखेगा, बेस रजिस्टर में जो आपका स्टार्टिंग नोड होगा उसका एड्रेस, यानी कि बेस एड्रेस रखेगा. और स्टैक पॉइंटर किसका रखेगा, स्टैक पॉइंटर जो स्टैक मेमोरी लास्ट में लास्ट वाला, तो लास्ट में आपका जो होता है उसको क्या कहते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक. तो अगर बुक का स्टैक लगाए हुए हैं तो सबसे टॉप पर जो बुक है उसका एड्रेस आपका स्टैक पॉइंटर का जो पॉइंटर है वो रखेगा. बेस पॉइंटर, अब ये जब हम लोग इसका इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो वहां इसका बहुत यूज होगा, स्टैक पॉइंटर बेस पॉइंटर का. नाउ इसको भी हम लोग डिस्कस किए थे सेगमेंटेशन. सर आप रहने दीजिए सर, ओवरफ्लो हो जाएगा सर इस सब. ओवरफ्लो नहीं होगा, सेगमेंटेशन आप मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़े होंगे, एक बार प्रीव्यू करके आइएगा. सर मेमोरी मैनेजमेंट अभी सर स्कूल नहीं हुआ, सर ओएस में अभी नहीं हुआ आपका, जो है अभी पीछे चल रहा है ना.
आगे आपका जो है जो कंसेप्चुअल है इसमें वो पर्टिकुलर ठीक है। आप जो यहाँ लिखा गया है समझिए, सेगमेंटेशन जो है वो रिलेटेड टू आपका जो है, देखो सर कह रहे थे कि आर्किटेक्चर अगले साल भी पढ़ना है। यस बोलिए। आर्किटेक्चर सर अगले साल भी पढ़ना है? नहीं, अगले साल आर्किटेक्चर नहीं पढ़ना है। क्यों? इसी साल पढ़ लीजिएगा, अगले साल का जरूरत नहीं होगा। सर कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता है, फिर उसको देखना पड़ता है यूट्यूब से। कौन सा नहीं समझ आता है?